हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स आपको रेड चिली टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आपने मोहब्बत की दास्तानें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन ऐसी मोहब्बत की दास्तान आपने कभी सुनी नहीं होगी। फ्रेंड्स, जो मोहब्बत को हासिल कर ले वो भी सारी ज़िंदगी मोहब्बत का पछतावा होता है, और जो मोहब्बत को हासिल ना कर सके वो भी आखिरकार मोहब्बत का पछतावा ही करता रहता है। ऐसी दास्तान है एक दीपक और सुनीता की। फ्रेंड्स, दीपक ने अपनी मोहब्बत हासिल कर ली, लेकिन इस मोहब्बत की बहुत ही भारी उसे रकम अदा करनी पड़ी। यूँ समझ लीजिए कि दीपक ने इस मोहब्बत के नाम पर अपना सब कुछ लुटा दिया। आपको बताते हैं, इस वीडियो में आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हिंदू मज़हब के मुताबिक रिश्तेदार, जो अज़ीज़ रिश्तेदार होते हैं, वो आपस में शादी नहीं कर सकते। मसलन लड़की लड़का, या चाचाजात लड़की, या मासी का लड़का या लड़की। दीपक और सुनीता आपस में चाचाजात और मसात जात के, मतलब मासी के लड़की लड़का थे, जिन्होंने प्यार किया और अपने ख़ानदान से अलग हो गए। ये कहानी एक ऐसी है जो पाकिस्तान का ज़िला टंडवाला यार का शहर चंबड़ और एक शहर है टंडो गुलाम अली। दीपक चंबड़ शहर का था और सुनीता टंडो गुलाम अली की रहने वाली थी। दोनों ने पसंद की शादी की, और पहली कुर्बानी दोनों ने ये दी कि इन्हें घर निकाली दी गई, मतलब इन्हें ख़ानदान से निकाल दिया गया। ये बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती, अभी दर्द की कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। जैसे ही दीपक ने सुनीता से शादी की, कुछ ही दिनों बाद दीपक के भाई का कत्ल हो गया। कहा जाता है कि इस कत्ल में सुनीता के घर वालों का बहुत ही बड़ा संबंध था। फ्रेंड्स, दीपक का अभी यह जख्म हरा ही था कि अचानक हैदराबाद में दीपक को एक डाकू या चोर कह लीजिए, शरीफ पंवर का नाम देकर उसको हाफ फ्राई किया गया, मतलब उसकी एक टांग को गोली मारकर उसे नकारा बना दिया गया। कहा जाता है कि इस कार्रवाई में भी सुनीता के घर वालों का बहुत बड़ा हाथ था। ये कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती, दर्द की कहानी तो अभी और भी शुरू होती है। इसके बाद जब यह वाक्या सोशल मीडिया पर जीनत बना तो सुनीता को एक सरकारी नौकरी भी दी गई, और इसे मुख्तलिफ स्टेज प्रोग्रामों में भी इनवाइट किया गया। दीपक के प्यार की आखिरी निशानी रोहन। लेकिन दीपक का भी दर्द कम ही नहीं हुआ था कि सुनीता ने एक और भी उसे घाव दे दिया। आखिरकार सुनीता दीपक का बोझ कब तक उठाती? उसने फैसला किया दीपक को छोड़ने का। दीपक का दिल तोड़कर सुनीता उर्फ सोनिया बन गई। सुनने में आया है कि सुनीता ने इस्लाम कबूल कर एक मुसलमान से शादी कर ली है, और ये भी न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि सुनीता को सोनिया बनाने के लिए दीपक का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि दीपक नहीं चाहते थे कि वो किसी के कंधे पर बोझ बनकर रहें। फ्रेंड, सुनीता ने सोनिया बनकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब वक्त आने पर वो खुद ही देंगी। इसके साथ ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इजाज़त दे गया। थैंक यू वेरी मच।